हाँ, इस वक्त राजस्थान मौसम को लेकर ताजा अपडेट आ रही है, क्योंकि राजस्थान में बांध ने टूटने से 2 लोगों की मौत हो चुकी है, तालाब में डूबने से भी मौत हो चुकी है। रातों रात खाली करवाया गया शहर, 3 जिलों में बाढ़ के हालात, रेलवे ट्रक बह रहा है पानी में। आप इन तस्वीरें और वीडियो में देख सकते हो। जालौर के सांचौर में बांध का पानी घुसने से लोगों को परेशानी हो रही है। बड़ी संख्या में यहां से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है दूसरी जगहों पर। अरब सागर से उठा चक्रवात तूफान बिपरजॉय गुजरात के बाद राजस्थान में केर बरपा रहा है। इसके असर से राज्य के कई इलाकों में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश जारी है, जिस वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं। बाढ़ में सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, पाली, अजमेर, कोटा सहित जिलों में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इन जिलों के लिए कुछ इलाकों में अब 10 से लेकर 13 इंच तक बरसात हो चुकी है। जालौर के सांचौर में सुरवा बांध टूटने से कई इलाके डूब चुके हैं। बांध टूटने से नर्मदा लेफ्ट कैनाल से पानी बढ़ने से वे भी टूट चुकी है। अब सबसे ज्यादा खतरा सांचौर पर मंडरा रहा है। अलग अलग तस्वीरें सोशल मीडिया पर आ रही है और भारी बारिश के कारण पश्चिमी बेल्ट, दक्षिणी बेल्ट में भारी तबाही देखने को मिल रही है, क्योंकि सांचौर के आसपास पिछले 36 घंटों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही गुजरात की तरफ से यहां से बना सूरवा बांध लगातार पानी आ रहा था। ज्यादा पानी का भराव होने के चलते देर रात बांध टूट चुका और बांध का पानी अब शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो शहर में दुकानें वगैरह गलियों में काफी ज्यादा 5 से 6 फीट तक पानी भर गया, जिसे पानी ग्राम में जाने लगा है। सांचौर की जेरडियावास बस्ती में तेज बारिश के कारण लोग फंस गए हैं। यहां एनडीआरएफ की 6 टीमें ने 12 पुरुष, 17 महिला और 10 बच्चे को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। सूरवा से पानी हाड़ौत होते हुए जासून तक पहुंच गया, जिसके बाद आगे बन रही भारतमाला एक्सप्रेस सड़क के पुल से होते हुए सांचौर की तरफ 4 बजे बढ़ गया था। लेकिन नर्मदा नहर की सांचौर लिफ्ट कैनाल से ज्यादा पानी आने से वे भी टूट चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बिपरजॉय का प्रभाव आज शाम कल सुबह तक जारी रहेगा। अजमेर, जयपुर, टोंक, माधोपुर समेत आसपास के जिलों में देखने को इसका असर मिलेगा और इन जिलों में आज व कल बारिश होने की संभावना अधिक बनी हुई है। लेकिन इसके बाद 19 व 20 जून को इसका असर भरतपुर व कोटा संभाग के जिलों में सबसे अधिक रहेगा। कल चक्रवात कमजोर होकर डिप्रेशन में वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में कन्वर्ट होगा, जिसे बारिश की गतिविधियां में कुछ कमी आ सकती है। चक्रवात अभी 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से नॉर्थ ईस्ट दिशा की आगे बढ़ रहा है, जिस वजह से बारिश से कुछ कमी आ सकती है। लेकिन 19 जून के दौरान मौसम कुछ फेर बदला हो सकता है। इस सिस्टम का असर 19 जून को पूर्वी राजस्थान में दिखाई देगा, जहां स्वयं माधोपुर, करौली, 12 जिलों में अत्यंत भारी बारिश, ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। भरतपुर संभाग के जिलों में सबसे अधिक देखने को मिल सकती है। अभी फिलहाल दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में बिपरजॉय तूफान की वजह से भारी बाढ़ के हालात उत्पन्न हो चुके हैं। तूफान बिपरजॉय से जुड़ी हुई हर लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए किसान साथियों, आप अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तूफान।